सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जरा सा हालात बदलते ही लोगों का रंग बदल जाता है। कमजोर केवल वक्त है रक्त नहीं। गलतियां माफ कीजिए बेइज्जती नहीं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अच्छा चल बाद में बात करता हूँ यह कहकर फोन काटते हैं उनका बात कभी नहीं आता। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। आज का पंचांग 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 3:08 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6:16 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:49 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शुक्ल व ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग बनने के कारण इसे बेहद खास माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 8:06 तक शुक्ल योग रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। शास्त्रों के अनुसार शुक्ल व ब्रह्म योग में किए गए कार्यों को बेहद शुभ फलदायी माना गया है। आश्विन घट स्थापना सोमवार यानी 26 सितंबर को की जाएगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा। इसके अवधि 1:40 तक रहेगी। मीन राशि 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जैसे आप सुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपने दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए आप कुछ विशेष योजनाएं बनाएंगे। साथ ही समय नजदीकी मित्रों के साथ मनोरंजन संबंधित आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। परिवार के लोगों के साथ महसूस होने वाले विवादों को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। जो बातें महत्वपूर्ण हैं केवल उन पर ध्यान बनाए रखना होगा। व्यक्तिगत जीवन में महसूस होने वाली तकलीफ का कारण जल्द ही मिलेगा। आपकी परिस्थिति बदल रही है, खुद के अंदर सकारात्मकता बनाए रखें। काम की जगह के लोगों के सुझाव पर काम करना जरूरी होगा। पार्टनर के बारे में जब तक जानकारी पूरी नहीं मिलेगी तब तक रिलेशनशिप संबंधित निर्णय ना लें। बीपी और शुगर से संबंधित सतर्कता रखें। सावधानियां, कोई डील फाइनल करते समय या निवेश करते समय कुछ गलतियां हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लें। पारिवारिक मामलों में अपना योगदान भी अवश्य दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी अपने संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेमी या प्रेमिका का एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आज के दिन आपके लिए बहुत खास होगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई ऐसा ना निकले जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अपनी बात छोटे या अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की और भी मौके मिलेंगे। जो बात आपके मन में कई दिनों से है उसे सामने आने दें। बात करते हैं करियर की। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है,
लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा, लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है, आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकता है। अपने व्यवसाय की कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें, नहीं तो आपके काम का फायदा कोई और उठा लेगा। नौकरी पेशे व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, वरना उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छे स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठाना आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। टहलते समय किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। आज का उपाय। आज आप दुर्गा मंदिर में सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।